Hello everybody, now let me present a very new course for you. I have got this book, Problems in General Physics by I.E. Irodov. Let me tell you something about this book. This book contains nearly 1800 problems, in fact above 1800 problems over almost complete physics. These problems are at very good level. Out of 10, I would rate the level of problems at 7 or 8. यदि मैं 10 की स्केल पर रेटिंग दू तो इस बुक के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेटिंग कुछ 7 और 8 आएगी. वंस अगेन, दिस इज अ वेरी गुड बुक टू रिवाइज कंप्लीट फिजिक्स. यदि आपने पूरी फिजिक्स, 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स और 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, पूरी फिजिक्स पढ़ ली है और आप फिजिक्स का क्विक रिवीजन चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली सॉल्व दिस बुक. वंस यू पुट योर अटेम्प्ट ओवर 1800 प्रॉब्लम्स इन दिस बुक, ऑलमोस्ट पूरा पूरा फिजिक्स का सारा सारा पोर्शन आपका बहुत अच्छा रिवाइज हो सकता है. इफ योर टारगेट इज IIT JEE, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. एक और बात, बिफोर स्टार्टिंग द बुक यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ मैथमेटिक्स. यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ अलजेब्रा, यू शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ कैलकुलस और फिजिक्स के सारे सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए. देयर आर 6 यूनिट्स इन द बुक. द फर्स्ट यूनिट इज जनरल मैकेनिक्स, द सेकेंड यूनिट इज थर्मोडायनामिक्स एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, द थर्ड यूनिट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, द फोर्थ यूनिट इज ऑसिलेशंस एंड वेव, फिफ्थ यूनिट इज ओवर ऑप्टिक्स, सिक्स्थ यूनिट इज ओवर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. हम इस पूरी बुक को सॉल्व करेंगे. जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाते हैं हम करते हैं. ओवर टारगेट इज विल सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 1500 प्रॉब्लम्स इन दिस बुक. मैं इधर एक बात और बताना चाहूंगा. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय IIT JEE, आई रोट IIT JEE 1993 एंड आई क्रैक्ड इट. मैं IIT JEE के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था, दो साल मैंने फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत मेहनत करी, मैंने फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे सारे चैप्टर्स पढ़े थे. बट व्हेन 2 or 3 months वी आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, मैं फिजिक्स में इतनी अधिक मेहनत करने के बाद भी एक कॉन्फिडेंस में कमी महसूस कर रहा था. मुझे बस ये लगता था कि अभी भी एक कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद मैं कर लूंगा, ऐसी फीलिंग नहीं है. ऐसी कंडीशन में वन ऑफ द सीनियर सजेस्टेड मी, मैंने उस टीचर से और सीनियर से यह प्रॉब्लम डिस्कस करी. मेरे एक सीनियर ने मुझको बताया था कि इन दैट केस यू स्टार्ट सॉल्विंग IE Irodov, दिस बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय IE Irodov. ना केवल उसने मुझको बताया बल्कि बुक भी मुझको दी थी कि यह बुक ले और इसे सॉल्व कर. He told me, if you are able to solve 250 problems from this book, you'll definitely get selected. And if you are able to solve 500 problems from it, you'll definitely be among top 1000 rank. उस बुक को मैंने लिया, and I started solving it. मैं कैसे सॉल्व करता था? मैंने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर लाइन से प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू नहीं करा. व्हाट आई डन वाज, इस बुक को मैं लेता था, रैंडमली कोई सा भी पेज ओपन करता था और जो पेज ओपन हो जाता था उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता था. कई बार इस तरह से कहीं पर भी अपनी उंगली रख देता था और जहां पर मेरी उंगली रखा जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था. और रैंडमली इस तरह से डेली मैं रैंडमली पेज खोलता था, उंगली रखता था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था.
continuously 16 days tak maine is book ko solve kara, 16 din tak maine is book ko solve kara. Mera ek din bahut acha raha aur us din maine is book se 52 problems solve kare the. Aur mera ek din sabse bekar raha, us din main continuously padhta raha tha, lagbhag 14 se 16 ghante padha tha, 14 se 16 ghante sirf physics ka revision kara tha. Aur itne samay mein main is book ke sirf 4 problems kar paya tha. Ek din itna acha jab maine 52 problems solve kare, aur ek din itna bekar jis din maine sirf 4 problems solve kare. Aur continuously 16 din tak main daily 12 se 15 ghante is book ko solve kar raha tha. 16 din tak main continuously physics revise kar raha tha. During this period of 16 days I solved a total of 350 problems. Maine is book se 350 problems solve us samay kar diye the khud se. I was not having any solution, sirf mere paas problems the aur book ke piche diye hue answers the. Mujhko problems dekhna tha, problem par concept develop karna tha, solve karna tha, aur solve karne ke baad yeh verify karna tha ki mera answer sahi hai ya nahi, main sahi concept tak pahunch pa raha hu ya nahi. Continuous 16 din karne ke baad maine 350 problems solve kar diye, aur jab 350 problems solve kar diye main puri tarah se santusht tha, complacent tha. I was complacent with my hard work. In fact mujhe confidence mehsoos hone laga tha, mujhe aisa lagne laga tha ki ab physics ka koi problem aata hai to main usko dekhte se hi samajh jata hu ki main ise solve kar paunga ya nahi kar paunga. और यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा और मैं उसको स्टार्ट करता हूं तो मैं उसको निश्चित डेफिनेटली सॉल्व कर भी देता हूं. सच कॉन्फिडेंस आई डेवलप्ड आफ्टर सॉल्विंग दिस बुक. इसीलिए मैं हर आईआईटी जेई एस्पायरेंट को आज भी रिकमेंड करता हूं कि यदि आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, खूब फिजिक्स में आपने मेहनत कर ली है, फिजिक्स में आपने मैकेनिक्स काफी पढ़ ली है, इलेक्ट्रिसिटी काफी पढ़ ली है, वेव्स पूरा पढ़ लिया है, हीट पूरा पढ़ लिया है, ऑप्टिक्स पूरा पढ़ लिया है, और फिजिक्स से सारे चैप्टर्स यदि आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं, जीपीएम भी और मॉडर्न फिजिक्स भी, और बहुत सारा समय देने के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स में एक कमी महसूस हो रही है तो उस कमी को आप पूरा कीजिए इस बुक को सॉल्व करके. मैं कहता हूं इस बुक के सारे प्रॉब्लम्स आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है. आईआईटी जेई के सिलेबस में कुछ 1200 प्रॉब्लम्स है, बाकी इसमें ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो आईआईटी जेई के बियॉन्ड सिलेबस है. मैं कहता हूं इफ यू आर एबल टू सॉल्व 1200 प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस बुक यू वुड बी अमंग टॉप 100 इन आईआईटी जेई, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व 500 प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, यदि आप अपने आप से इस बुक से 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो आप निश्चित टॉप 1000 में आओगे. और यदि आप स्वयं से अपने आप से बिना सॉल्यूशन देखे, आपने प्रॉब्लम देखा, पढ़ा, कंसेप्ट डेवलप करा और स्वयं से सॉल्व कर दिया, इस तरह से यदि आप 250 प्रॉब्लम यदि इस बुक से सॉल्व कर लेते हो, इट्स माई गारंटी यू विल गेट सिलेक्टेड इन टू आईआईटी जेई. सो दैट इज अबाउट दिस बुक. इस बुक को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा. एंड वंस अगेन सॉल्व करने का तरीका मेरा वही होएगा, मैं किसी ऑर्डर में नहीं चलूंगा, मैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा. रैंडमली कोई सा भी पेज खोलूंगा, रैंडमली कोई प्रॉब्लम उठाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करवा दूंगा. ऑल्दो मैं पहले कुछ फॉर्मली पहले एक दो प्रॉब्लम फॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद इस एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा. जो हमारा अप्रोच होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको ग्रैस्प करा जाए, कैसे उसमें दिए हुए डेटा को समझा जाए, फिर यह समझा जाए कि हमसे क्या पूछा गया है, और फिर उसमें कंसेप्ट को डेवलप करना, रेलेवेंट थ्योरी को समझना, उसमें फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा फॉर्मूला है या कौन सा थ्योरी पोर्शन है, उस चीज को समझना, उसको डेवलप करना, और फिर
उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स को अप्लाई करना। हम देखेंगे हर प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स भी है, कहीं पर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है तो कहीं पर कैलकुलस का, बुक में कैलकुलस का शायद मैक्सिमम एप्लीकेशन है, लिमिट्स का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमें आना चाहिए इस बुक को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए। हम जब इस बुक को सॉल्व करते हैं तो न केवल फिजिक्स रिवाइज होती है बल्कि मैथमेटिक्स का कैलकुलस पोर्शन और एलजेब्रा पोर्शन भी हमारा रिवाइज होता रहता है, साथ में कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई होते हैं। इनफैक्ट जेई की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आई ऑलवेज से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस बुक। आई स्टार्ट सॉल्विंग विथ प्रॉब्लम नंबर 1.1। मैं इस बुक को अब स्टार्ट करता हूं।